हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि गूगल में इमेज को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जब भी वो गूगल में अपना नाम डालें या कोई भी कीवर्ड डालें, उस कीवर्ड पे क्या हो, उनकी इमेजेस जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा एसईओ से संबंधित, कि इमेज का एसईओ कैसे करते हैं ताकि आपकी जो इमेज है गूगल की रैंक में नंबर वन पे आए। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए और आपने ये वीडियो लास्ट तक का देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि जिससे आपकी जो इमेज है जल्दी से जल्दी क्या होगी, इंडेक्स हो जाएगी और आपकी इमेज सर्च रिजल्ट में जल्दी से जल्दी आ जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर ये इमेज है इसमें जैसे ही होवर लेके आएंगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल में आप इमेज अपलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे गूगल में आपने सर्च करा तो उसके बाद यहाँ पर ये इमेज तो ले आया, अब देखें ये इमेज लेके कहाँ से आया। जैसे इस इमेज में हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट एमएस को खोल लिया, तो यहाँ पर ये देखिए जो इमेज लेके आया है ये twitter.com से उठा के लाया है। ठीक है, अगर आपने देखना है कि ये कहाँ से इमेज उठा के लेके आया तो यहाँ पर आपने क्या करना है, विजिट पेज में क्लिक करेंगे। तो जैसे विजिट पेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें मेरी ट्विटर की जो इमेज है, ये वाली इमेज उठा के वो वहां पर लेके आ रखा है। तो ऐसी जो जितनी भी सारी इमेजेस हैं ये गूगल में अपलोड नहीं होती हैं, ये जो इमेजेस हैं कहीं ना कहीं अपलोड हुई होंगी। ये देखिए ट्विटर दिखा रहा है, ये देखिए यूट्यूब दिखा रहा है, तो ये देखिए फेसबुक दिखा रहा है। तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सभी में से क्या करता है, अगर आपने यहाँ पर कोई भी नाम डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर नाम डालेंगे तो सबसे पहले नाम अगर डालते हैं तो उसके लिए इमेज सर्च के लिए सबसे पहले गूगल जाता है, ट्विटर के पास, फेसबुक के पास, गूगल प्लस के पास, इन सभी वेबसाइट के पास जाता है जो कि सोशल नेटवर्क वाली वेबसाइट होती है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी इमेज जो है गूगल के सर्च रिजल्ट में देखनी है तो आपने जो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा ये मेथड आपने लास्ट तक का देखना है, और जिससे क्या होगा आपकी इमेज जो है सर्च रिजल्ट में जल्दी से जल्दी रैंक हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने कोई इमेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाली इमेज अपलोड करनी है, और जब ये इमेज मैं अपलोड करूंगा, ये इमेज कब दिखनी चाहिए, जब मैं अपना एक कीवर्ड डालूंगा सुंदर सिंह मेहरा। ठीक है, तो मेरे को ये इमेज गूगल के सर्च रिजल्ट में आनी चाहिए। तो इस इमेज को सर्च रिजल्ट में आने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस इमेज का एसईओ करना होगा। एसईओ करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके नाम जो है सुंदर सिंह मेहरा डालना होगा, जो भी आपका कीवर्ड होगा उस कीवर्ड में इसको डालना होगा, इसका टाइटल डालना होगा, इसका डिस्क्रिप्शन डालना होगा और कुछ कीवर्ड्स डालने होंगे और टैग्स भी इसमें डालने होंगे। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक फोटोशॉप का यूज करके बताऊंगा और एक बिना फोटोशॉप का यूज करके बताऊंगा। कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लास्ट में भी बताऊंगा आपको, तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फोटोशॉप के थ्रू बताता हूं मैं आपको, आपने इसको इमेज को फोटोशॉप में ले आना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फोटोशॉप में ले आए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फाइल इन्फो एक ऑप्शन होता है आपके पास, इसमें आपने क्लिक करना है। ठीक है, फाइल इन्फो में जैसे ही आपने क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फाइल की इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। तो सबसे पहले इमेज का हमें डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल, मतलब इमेज का हमने टाइटल देना है। तो टाइटल में जो भी आप चाह रहे हैं, जो चीज गूगल पे लिखे उस पर आपकी इमेज डिस्प्ले हो तो वो चीज यहाँ पर आपने लिख देनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुंदर सिंह मेहरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑथर में जो भी आपने ऑथर देना है, ऑथर में भी मैं इसका नाम सुंदर सिंह मेहरा, ठीक है, ये भी मैं ऑथर में डाल देता हूं। उसके बाद ऑथर का टाइटल आप डालना चाहें तो यही चीज आप इसमें भी डाल सकते हैं, सभी चीज में हम सेम चीज डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी ये इमेज है किस बारे में है वो चीज यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इमेज के बारे में लिख दीजिए जो भी आपने यहां पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन राइटर, जो भी राइटर का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कीवर्ड्स में आपने क्या लिखना है, जैसे सुंदर कॉमा सुंदर सिंह कॉमा, तो यहाँ पर अपना जो नाम है, जो भी आपका कीवर्ड है उसको तोड़ तोड़ के लिख दीजिए और फुल कीवर्ड जो है आपने इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कॉपीराइट इसको लगाना है तो कॉपीराइट नोटिस यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके कॉपीराइटेड में यहाँ पर जो भी नोटिस आपने लगाना है कि फ्री है या प्रोटेक्टेड है
तो यहाँ पर वो आप लगा सकते हैं कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन यूआरएल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि जो भी इस इमेज को यूज़ करेगा गूगल के थ्रू तो उसको यहाँ पर क्या होगा, नोटिस पड़ लेगा कि ये इमेज उसको यूज़ करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ओके में क्लिक करना है और उसके बाद इस इमेज को करना है सेव। फाइल में गए और सेव एज में आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज का नाम भी सुंदर मेरा, वही कीवर्ड जिस कीवर्ड के बिहाफ पे आप क्या करना चाहते हैं, इसको सर्च करवाना चाहते हैं। इसके बाद इसकी जो भी आपने यहाँ पर रखनी है क्वालिटी, इसको रख लीजिए। तो डेस्कटॉप में ये इमेज आ गई है, ये वाली। ठीक है, तो ये इमेज का जो है SEO हो चुका है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, डिटेल्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए टाइटल आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है और जो जो यहाँ पर आपने देना है। और ये तो मैंने बताया आपको फोटोशॉप के थ्रू। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, ये वाली इमेज थी, तो इसमें आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में गए और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में गए, तो यहाँ पर ये देखिए टाइटल आपके पास आ गया। तो टाइटल में आपने वही लिख देना है जो भी आपका कीवर्ड है। उसके बाद सब्जेक्ट में जो भी आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में भी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर रेटिंग है, आप इसको कितना रेट देना चाहते हैं। भैया मेरी इमेज है, मैं इसको फुल स्टार देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 5/5 स्टार दे दिए। उसके बाद यहाँ पर टैग्स हैं, जो मैंने आपसे बोला था कीवर्ड, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, सुंदर कॉमा सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारे के सारे टैग्स जो हैं वो डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स, अगर आप कोई कमेंट्स इसमें देना चाहते हैं तो वो कमेंट्स भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। कमेंट्स में भी मैं सेम चीज़ डाल देता हूँ। ऑथर में आप जो भी है वैल्यू आपने डालनी है ऑथर में यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डेट टोकन, ये आप बता सकते हैं कि किस डेट में ये फोटो खींची गई है। इस टाइप से जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी है, प्रोग्राम का नेम, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके में क्लिक करते हैं। तो ठीक है, ये इमेज हमारी जो है, अभी इसका नाम जो है, नाम सही नहीं हुआ तो इसको क्या करते हैं, इसका नाम भी रिनेम कर देते हैं। रिनेम करा हमने, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। ठीक है, यस कर दिया, तो ये इमेज जो है अपने नाम से आ गई। अब इमेज आपने अपलोड करनी है और ध्यान रहे कि जो इमेज आप अपलोड करेंगे वो इमेज जो होनी चाहिए पब्लिक होनी चाहिए, तभी गूगल उसको क्या करेगा, ढूंढ पाएगा और उसको सर्च रिजल्ट पे यहाँ पर लेके आएगा। अगर वो इमेज पब्लिक नहीं हुई, प्राइवेट हुई, तो गूगल उसको ढूंढ नहीं पाएगा, उसका क्रॉलर उसके पास जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इमेज अपलोड करने के आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, गूगल प्लस में आपने क्या करना है, गूगल प्लस के थ्रू आप क्या कर लीजिए, गूगल प्लस में इमेज अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम गूगल प्लस में चले जाते हैं। साथ ही साथ हम फेसबुक भी खोल लेते हैं, facebook.com, और साथ ही साथ हम ट्विटर भी खोल लेते हैं, twitter.com। ठीक है, तो ये इमेज फेसबुक, ट्विटर और आपने गूगल प्लस में डालनी है। और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम में डालनी है तो जो जो इमेज अपलोडिंग वेबसाइट है आप वहाँ पर इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, और इमेज को किसी एल्बम में बनाकर भी डाल सकते हैं। ठीक है, खुल गया। तो फेसबुक में हम क्या करते हैं, इमेज अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इमेज का ऑप्शन जो आपके पास है, आपको सबको पता ही है इमेज कैसे अपलोड करनी है। इसमें इमेज में क्लिक करना है, इमेज में हमने क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से हमने इसको इमेज दे दी ढूंढ के, जो भी है ये इमेज है, ये वाली दे देते हैं, ओपन हमने क्लिक करा और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, सुंदर सिंह मेहरा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया उसने हमने। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको पब्लिक करना है। ठीक है, इसको आपने कस्टम या फ्रेंड्स नहीं करना है, इसको आपने पब्लिक करना है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसको पोस्ट कर लीजिए। ठीक है, और सेम यही ट्विटर में आपने क्या करना है, ट्विटर में यहाँ पर ये देखिए एड इमेज का ऑप्शन आपके पास होता है, इसमें आप क्लिक करें और जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर से इमेज का इसको पाथ दे दीजिए, ये है। उसके बाद यहाँ पर ओपन में क्लिक कर दें तो ये इमेज जो है अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर भी आपने क्या कर देना है, सुंदर सिंह मेहरा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, गूगल प्लस में यहाँ पर ये देखिए इमेज का ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर से आप इमेज में क्लिक करिए और यहाँ पर से आप इमेज इसको दे दीजिए। ओपन क्लिक करा और यहाँ पर ये देखिए आपने ये जो टू में यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर हमेशा पब्लिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर इसका टाइटल भी दे दीजिए, शेयर में आपने क्लिक करा। तो देखिए ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको एल्बम कोई, और यहाँ पर कोई आपको एल्बम डालनी है तो यहाँ पर आप उसे एल्बम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी जगह आप क्या कर लीजिए, इमेज पोस्ट कर लीजिए। तो जैसे ही मान लीजिए गूगल प्लस में हमने इमेज पोस्ट करी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे
फास्ट जो तरीका होता है गूगल को इंडेक्स करवाने का, अब हम क्या बताएंगे गूगल को, बताएंगे कि भैया हमने एक इमेज डाल रखी है, इसको आप क्या करें इंडेक्स कर लें। तो आपने क्या करना है, इस इमेज में क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर राइट क्लिक करना है इमेज में, ठीक है। उसके बाद यहां पर कॉपी इमेज लोकेशन में क्लिक करना है। तो जैसे तो हमें इमेज की लोकेशन मिल गई, अब हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इमेज की लोकेशन सही है। तो ये देखिए इमेज की लोकेशन सही है। अब हम क्या कहेंगे गूगल से कि भैया हमने एक इमेज अपलोड कर रखी है जिसकी जिसकी जिसका यूआरएल ये है, ठीक है। हम गूगल को ये यूआरएल बताएंगे और गूगल क्या करेगा इसको इंडेक्स कर लेगा। तो उसको गूगल को बताने के लिए एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना होगा, एक लिंक खोलना होगा, ठीक है। वो लिंक मैं आपको बताता हूँ और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस लिंक को आपने खोलना है और इस लिंक को खोलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, गूगल का एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट नहीं है तो आप इसको नहीं सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर यूआरएल में इसको पेस्ट कर देना है, जो भी आपने यहाँ पर से इमेज का यूआरएल कॉपी करा था उस इमेज के यूआरएल को यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इमेज का यूआरएल जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कैप्चा है, आपने क्या करना है इस कैप्चा को फिल कर देना है 105.105, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट में आपने क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये गूगल के पास चली गई है। अब गूगल क्या करेगा, कुछ ही टाइम में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी वो फ्री होगा उसके जो क्रॉलर हैं वो आएंगे आपकी इमेज के पास, इस यूआरएल के पास, और आपके कीवर्ड को देखेंगे, आपके टाइटल को देखेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और उसके बिहाफ पे क्या करेंगे अपनी इमेज को जो इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपकी इमेज जो है यहाँ सर्च रिजल्ट में आ जाएगी। तो ये 1 घंटे में आ सकती है, 2 घंटे में आ सकती है, 3 घंटे में आ सकती है, 1 दिन में आ सकती है। तो जल्दी से जल्दी जो होगी इमेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी, इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।